नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हालांकि मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन बना डाले। मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डिकॉक ने 81 रनों की पारी खेली, रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए और आखिरी के ओवर में हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों में नाबाद 28 रनों की पारी खेली। राजस्थान की बात करें तो उसके गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए। जोफ्रा आर्चर ने 3 और उपनाथ कट ने 1 विकेट लिया। श्रेयस गोपाल ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स में 2 बदलाव भी हुए। चोटिल बेन स्टोक्स की जगह लियाम लिविंगस्टोन आए थे तो रियान पराग की जगह कृष्णप्पा गौतम की भी टीम में वापसी हुई थी। वहीं मुंबई टीम में रोहित शर्मा लौट आए थे। IPL 12 में मुंबई इंडियंस जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और उसकी भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से हो रही थी, जबकि पैर की चोट के कारण पंजाब के खिलाफ मैच से बाहर रहने वाले नियमित कप्तान रोहित शर्मा की भी टीम में वापसी हुई थी। बात करें अगर मुंबई इंडियंस की पारी की, क्विंटन डिकॉक के बाद अंत में हार्दिक पांड्या की आक्रामक पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 188 रन की चुनौती रखी। अच्छी शुरुआत के बाद बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरने से मुंबई की रन गति पर ब्रेक सा लग गया, लेकिन हार्दिक ने 11 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 28 रनों की पारी खेल टीम को मजबूत स्कोर प्रदान किया था। पिछले मैच में चोट के कारण आराम करने के लिए बाहर गए रोहित शर्मा ने अच्छी वापसी की। उन्होंने 32 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। सूर कुमार यादव का बल्ला सिर्फ 16 रन ही बना सका, वह 117 के कुल स्कोर पर आउट हुए। पिछले मैच में तूफानी पारी खेलने वाले किरण कोलार्ड इस मैच में सिर्फ 6 रन ही बना सके। शुरुआत में मुंबई ने तकरीबन 9 के औसत से रन बनाए थे, लेकिन 20 के ओवरों में उसकी रन 7 के करीब तक उड़ गई थी। हार्दिक ने हालांकि अंत में अपने अंदाज में रन बना टीम को मजबूत स्कोर प्रदान किया। उनके साथ उनके भाई कुणाल पांड्या बिना कोई गेंद खेले नाबाद लौटे। राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लिए। धवल कुलकर्णी जयदेव नाथ कट को 1-1 सफलता मिली। वहीं बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 37 रन बनाए और जॉस बटलर ने सर्वाधिक रन 89 रन बनाए। संजू सैमसन ने 31 रन बनाए तो स्टीवन स्मिथ सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी लिविंग स्टोन 1-1 रन बनाकर आउट हो गए। बटलर के अलावा किसी बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी तो नहीं की। यहां तक कि एक समय ऐसा भी लग रहा था कि मुंबई ये मैच जीत जाए, क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिर रहा था राजस्थान का, लेकिन तब भी आखिरी पलों पर समझदारी से की गई बल्लेबाजी के बदौलत राजस्थान ने मुंबई को 4 विकेट से हरा और ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।